हेलो फ्रेंड्स, यूनिक किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं सोया मंचूरियन बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कटोरी सोयाबीन लिए हैं। फ्रेंड्स, ये सोयाबीन मैंने उबाल लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैंने निचोड़ा नहीं है, हल्का सा निचोड़ा ये लिया है। और इसके लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, सफ़ेद नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैदा, दही और रिफाइंड ऑयल, ये चिली सॉस, ये थोड़ा सा पिसी हुई चीनी, ये विनेगर और ये ब्लैक सोया सॉस और ये टमाटर, हरी मिर्च, ये शिमला मिर्च, ये हरी मिर्च, ये प्याज है। इसको बनाने के लिए हमने एक बर्तन में ये सोयाबीन ले ली है। अब इसके अंदर हम पेस्ट डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैदा और दही। अब हम इनको सबको मैरिनेट करेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, मीडियम गैस पर गर्म किया है। इसको हम एक एक डालेंगे जो कि चिपके ना। हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे और इसी तरह सारे सोयाबीन भी फ्राई करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, तेल थोड़ा मीडियम ही होना चाहिए, ना थोड़ा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होगा तो सोयाबीन तेल पी जाएंगी और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो सोयाबीन जल जाएगी, इसलिए मीडियम हीट पर ही इसे पकाना है। सोयाबीन हो चुके हैं, ये हमने तेल ले लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, हमें प्याज को एकदम डालना नहीं पड़ना,
2 मिनट। फ्लेम हमारी फुल है, तेज गैस पे ही पकाना है इसे हमें। हमारी सोया मंचूरियन तैयार है, अब हमने सर्व कर दी है, आप इसे खा सकते हैं।